इनकी गाय माता है, गीता माता है, गंगा माता है। गंगा पर इतना खर्च किया जा रहा है, एक मंत्री मैडम उमा भारती पूरा जोर लगा रही हैं कि गंगा की सफाई किया जाए। और नदियों क्यों नहीं भाई, और नदियों की क्यों सफाई नहीं होनी चाहिए? और नदियों का पानी पीने के काम में नहीं आता? वो भी तो पानी पीने के काम में आता है, उसको डिस्टिल करके जो है पिया जाता है। तो हर नदी की माता होनी चाहिए, लेकिन गंगा माता है और तो कोई माता है नहीं। गंगा माता पिता नदारत, पिता भी है क्या? गौ माता पिता नदारत, सब जगह इनके यहां पिता नहीं, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रमाता है ही नहीं भारत में। ये सारा मामला घालमेल है, इनके घालमेल को समझना होगा। हर मां के मां का जो वात्सल्य है, उसके वात्सल्य के तराजू पर उसकी हर संतान का वजन बराबर होता है। हर मां के वात्सल्य में उसकी हर संतान का वजन बराबर होता है, लेकिन गंगा माता में वात्सल्य ही नहीं दिखाई देता। जब गंगा मां उफान पर होती है, गांव का गांव बहा ले जाती है, फसल का फसल चौपट कर देती है, तो वो गंगा मां होती है या डायन होती है? फिर भी गंगा माता है। भाई कहूं क्यों माता तुम कहते हो, क्यों मां कह रहे हो तुम? अगर और गंगा का पानी यहां भी अगर कोई हरिद्वार जाते होंगे, क्योंकि मैं हरिद्वार से आया हूं देवभूमि से, तो वहां पानी लेकर जाते हैं लोग और कहते हैं ये कभी खराब ही नहीं होता, ये गंगा का पवित्र जल बहुत पवित्र है। और मैं हरिद्वार में पोस्ट मास्टर था, मैंने देखा कि हरिद्वार की सारी सीवरेज का पानी गंगा में जाता है, लेकिन बाहर वालों को ढोल सुहाना लगता है, उनको अच्छा लगता है गंगा का पानी बहुत पवित्र है, बड़ी ऊर्जा है गंगा के पानी में। साथियों, अगर गंगा के पानी में ऊर्जा होती तो गंगा जिधर से बहती है, आप अध्ययन करो, वहां पर अच्छी फसल नहीं होती। और पंजाब और हरियाणा से गंगा नहीं जाती, देश में सबसे अच्छी फसल कहां होती है? हरियाणा और पंजाब में होती है। गंगा इसलिए माता है कि गंगा पूजन से ब्राह्मणों का जेब भरता है, इसलिए गंगा माता है। वो किसी को माता, किसी को पिता, गधा को भी बाप बना लेंगे अपने फायदे के लिए। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है साथियों।